आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कुरैशी मोहल्ले में प्रतिबंधित मांस व मवेशी बरामद, प्रशासन ने मारा छापा। गिरिडीह के कुरैशी मोहल्ले में गुरुवार को प्रशासन द्वारा छापेमारी किए जाने के दौरान काफी मात्रा प्रतिबंधित मांस और मवेशी मिले हैं। कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मच गया और धंधेबाज भाग खड़े हुए। मौके पर प्रशासन द्वारा 3 मवेशियों को जब्त कर गौशाला भेज दिया गया है। वहीं मौके पर मौजूद 10 बाइक को जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं मौके पर SDM राजेश प्रजापति ने बताया कि वरीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि वहां मवेशी रखे गए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई, जिसके बाद मांस व मवेशी मिले हैं। SDM ने कहा कि इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। कैमरा पर्सन डिंपल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। आज वरीय पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुरैशी मोहल्ले में प्रतिबंधित गो पशुओं को रखा गया है और कुछ मकान के प्रतिबंधित पशुओं का मांस भी उसमें इकट्ठा किया गया है अवैध कारोबार के दृष्टिकोण से। तो इसी दृष्टिकोण में गुप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई और जिसमें बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पशु मांस एवं कुछ प्रतिबंधित पशु पकड़े गए हैं और तत्संबंधी जो संबंधित लोग हैं जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई क्या सर? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जिंदा जानवर भी पकड़ा गया सर? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।